तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो नया गेम एमपीएल में आया फ्रूट स्लाइस, मैं उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो कहीं पर भी स्किप मत करना, मैं बेस्ट टिप्स और ट्रिक के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए, मैं यहाँ से कोई सा भी गेम दोस्तों प्ले कर लेता हूँ, लेकिन उसके बारे में आपको बताने से पहले पहले जो ट्रिक है दोस्तों, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, तो वह मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दो ऐपों की ज़रूरत होगी। तो देखिए दोस्तों, एक ये ऐप है, जैसे आप इंस्टॉल करके परमिशन दे दोगे तो आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो अलाउ करने के बाद लास्ट में ये जो आइकन है उस पर आपको क्लिक कर देना, तो टेढ़ा सीधा हो जाएगा। देखिए, जैसे आप लास्ट के आइकन पर क्लिक करोगे तो देखिए सीधा होगा। अब आप इसे बीच में कहीं पर भी आप खिसका सकते हो। इसके बाद दोस्तों, आप अपने गेम पर आ जाना है और यहाँ से स्टार्ट कर लेना कोई सा भी, मतलब कोई सा भी टूर्नामेंट में जो फ्रूट राइस का है, कोई सा भी टूर्नामेंट यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं प्ले फॉर फ्री पर यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ बीच में या सेट करके। यहाँ से जब मैं स्टार्ट हो जाता हूँ गेम दोस्तों, तो इससे आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे अंदाज़ा मिल जाता है कि आपको बीच में माना। ये देखिए, बीच पे आप डाल लीजिए और बस उस पर टच करना है यहाँ पर। ये देखिए, अब आपका फ्रूट कटता रहेगा दोस्तों। लेकिन आपको इसमें दो से तीन बातें ध्यान में रखनी दोस्तों, कि जब दोस्तों यहाँ पर मतलब फ्रूट तेज़ी से घूमने लगे दोस्तों, तो आपको उस समय नहीं माना, क्योंकि इसमें समय का मतलब नहीं है कोई पाबंदी दोस्तों कि आपको इतने समय के अंदर करना है। आप आधा घंटा ले लीजिए, 1 घंटे ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी कितना समय ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं थोड़ा सा बोल भी रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ, तो दिक्कत हो रही है दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा गेम खेल के मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, बस आपको मैं टिप्स बताऊंगा कि आपको टिप्स क्या फॉलो करनी है और ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है दोस्तों। आपको मैं स्कोर करके नहीं दिखाऊंगा। ये देखिए, तो जैसे देखिए तेज़ी से घूम रहा दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा रुक जाना, आपको आराम से खेलना दोस्तों। बड़ा सिंपल गेम है, आप इसमें अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि ये नया गेम है दोस्तों। तो बहुत लोग इसमें बहुत ज़्यादा अभी एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे, तो आपको इसमें जो जो स्केल दिख रही है दोस्तों, तो आपको इसको बीचों बीच रखना। आप बस आपको इससे अंदाज़ा मिल जाता है दोस्तों कि आपको बीच में कब छोड़नी कब नहीं। ये देखिए देखिए, जैसे तेज़ी से घूम रहा दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा लेट इसे घूम मतलब थोड़ा सा आपको देखना है कि इसका मतलब रोटेशन कैसा हो रहा। लेकिन रोटेशन एक समय तेज़ घूमेगा दोस्तों, लेकिन एक समय बाद थोड़ा सा धीमा हो जाएगा, उसी समय आपको चलाना है। ये देखिए दोस्तों, जैसे अब एक फ्रूट बचा दोस्तों, तो तभी मतलब इसी को काटने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपको रुक जाना है। अब जब ये धीमा होगा दोस्तों, तो आपको काटना है। देखिए, जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा, मैं तो इसी मतलब एक ही फल को आपको काटने में दिक्कत होती दोस्तों। जब ज़्यादा फल आते तो आप मारते रहिए जल्दी जल्दी। ये देखिए, अब आपको काटने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे फल। लेकिन जब ये मतलब 1 से 2 फल बचते हैं, तभी आपको मतलब उन्हें काटने में दिक्कत हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, लेकिन कुछ स्टेप हैं। ये देखिए, मेरा गेम ओवर हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, कि आपको दूसरी ट्रिक से कैसे। तो आपको एक स्क्रीन रोटेशन ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ दोस्तों। आप उसे जैसे ही अलाउ करके ऑन कर लोगे दोस्तों, तो अपनी स्क्रीन को टेढ़ा कर लीजिएगा। ये देखिए, टेढ़ा करने के बाद दोस्तों, आप इसे स्केल को आप सीधा कर लीजिए। अब आपको दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, कि छोटे छोटे फल दिखाई देते हैं, तो इससे आपको मारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसमें आप मतलब सीधे के मुकाबले जैसे आप गेम खेलते हो, उससे ज़्यादा आप इसमें स्कोर कर सकते हो। तो अपनी स्क्रीन को टेढ़ा कर लीजिए, आप फिर खेलिए दोस्तों, आपको उससे हट के नज़ारा आएगा इसमें फल, तो आप इसमें भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो मैं दोनों ऐपों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हीं को ट्राई कर लीजिए दोस्तों। बस मैं आपको खेल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉम्बो में काटिए दोस्तों, जितना ज़्यादा आप कॉम्बो में काटेंगे दोस्तों, आप उतना ही ज़्यादा स्कोर कर पाएगा। अगर आप एक एक फल काटोगे, मतलब एक फल है दोस्तों, तो आप एक फल काट लीजिए, लेकिन जब ज़्यादा फल शुरू में रहता है दोस्तों, तो आपको कम्बो में ही काटना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं गेम आप कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर बोरिंग हो जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम्बो में काटना है और ज़्यादा समय लेना है दोस्तों, तभी आप इसमें स्कोर कर पाओगे। अगर आप समय नहीं लोगे तो स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आप जितना मर्जी हो दोस्तों समय ले लीजिए, तभी आप इसमें अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। धन्यवाद फ्रेंड, जो भी कमेंट।